आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम थाईलैंड से ड्रोन या मोबाइल को इंडिया लेकर जा सकते हैं और साथ ही 5% वैट रिफंड कैसे कलेक्ट कर सकते हैं एयरपोर्ट से। तो जी, लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने बैंकॉक से खरीदा था एक ड्रोन और अब टाइम है इसको इंडिया लेकर जाने का। आपको बता देता हूँ कि अगर आप थाईलैंड से ड्रोन या आईफोन खरीदते हो तो सबसे पहले आप उसको अनबॉक्स कर लो और उसको बॉक्स से निकाल कर अपने साथ हैंड बैगेज में कैरी करो। अगर आपको बॉक्स की नीड नहीं है तो आप बॉक्स को यहीं पर छोड़ दो या फिर आप इसको फोल्ड करके अपने साथ चेक इन बैग में भी कैरी कर सकते हो। साथ ही अगर आप थाईलैंड से कुछ भी खरीदते हो तो आपको मिलता है 5% का वैट रिफंड, जिस रिफंड को सिर्फ आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कलेक्ट कर सकते हो और जिसकी प्रोसेस कुछ इस तरह से है। जी, तो मैं हूँ इस टाइम पर डॉनमोंग एयरपोर्ट पे, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है थाईलैंड का। यहाँ पे एक स्वर्णभूमि एयरपोर्ट है और दूसरा डॉनमोंग एयरपोर्ट है। एज अ टूरिस्ट अगर आप थाईलैंड से शॉपिंग करते हैं तो आप जो है अपने उस पर 5% का वैट रिफंड ले सकते हैं जितने की भी आप शॉपिंग करते हैं। उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं कि मिनिमम शॉपिंग जो है 2000 भात की आपकी होनी ही चाहिए और एक ही दिन में और एक ही काउंटर से। मिनिमम जो शॉपिंग का क्राइटेरिया है वो 2000 भात का है, उससे कम का होगा तो आपको वैट रिफंड नहीं मिलता है। इसी के लिए जैसे आप एयरपोर्ट पर आएंगे, इमिग्रेशन अपना क्लियर कर लेंगे, सिक्योरिटी चेक कर लेंगे, उसके बाद जो है आपको ये सामने ही वैट रिफंड का ऑफिस नजर आएगा। आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ से अपना वैट रिफंड ले लेना है। वैट रिफंड आप 2-3 मोड में ले सकते हैं। आप अपने अकाउंट में भी ले सकते हैं, DD भी इन लोगों से बनवा सकते हैं, पर बेस्ट ऑप्शन है कि आप कैश कलेक्ट करें। आपको प्रॉब्लम हो जाती है अकाउंट में, पता नहीं पैसा कब पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, DD वगैरह का क्या प्रोसेस है मुझे नहीं पता है, क्योंकि समय लग सकता है। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इनसे कैश में कलेक्ट कर लें अपना जो भी वैट रिफंड बनता है। जिस भी शॉप से आप शॉपिंग कर रहे हैं उसको ज़रूर बोल दें कि ये जो है येलो स्लिप वैट रिफंड की आपको ज़रूर से प्रोवाइड करें, इसके बिना जो है आपको वैट रिफंड नहीं मिलेगा। और किसी और के नाम से आपको अपना स्लिप नहीं बनवाना है, जिसके नाम से भी जो है वैट रिफंड की स्लिप है उसी के नाम पे जो है आपको वैट रिफंड यहाँ पे मिलेगा। आने वाली परेशानी से अनजान मैं वैट रिफंड की लाइन में खड़ा हो जाता हूँ। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि यहाँ पे भी कोई मुश्किल हो सकती है। You can check it. This is all your port to the custom. Show your port to the custom. Port to? Get a stamp from the custom. No stamp, no refund. So from where? Stamp outside before check in. So I have to go back. Depend on the immigration. I'm not sure you can go out or not. हाँ जी, तो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप भी वैट रिफंड लेने आते हो तो सबसे पहले आपको जो है इमिग्रेशन करने से पहले आपको ये एक काउंटर बना हुआ है जहाँ पे कस्टम ऑफिस है। कस्टम ऑफिस से आपको जो है स्टैंप लगवानी है, जैसे कि ये वाली है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है फॉर कस्टम ऑफिसर ओनली। इस स्टैंप को लगवाने के बाद आपको सिक्योरिटी चेक करना है, इमिग्रेशन करना है, उसके बाद अंदर वैट रिफंड का काउंटर है, वहाँ से फिर आपको जो है वैट रिफंड लेना है। ये गलती मत कर देना जो मैंने करी थी। मैं सीधे जो है वैट रिफंड काउंटर पे पहुँच गया था, उन्होंने मेरे को बताया कि आपको सबसे पहले जो है इस पर कस्टम की एक स्टैंप लगवानी पड़ेगी। तो उसके बाद बड़ी मिन्नतें करने के बाद उन्होंने मेरे को, क्योंकि मेरा इमिग्रेशन भी हो चुका था और मेरा सिक्योरिटी चेक भी हो चुका था, तो उन्होंने जो है फिर भी मेरे को अलाउ करा। उन्होंने मेरा पासपोर्ट जो है अपने पास होल्ड कर लिया और ये एक मेरे को दिया, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसमें, तो इसके थ्रू उन्होंने मेरे को जो है एंट्री दी बाहर जाने के लिए। तो ये मेरी एडवाइस है कि आप यहाँ से अगर रिफंड लेते हैं तो सबसे पहले कस्टम का स्टैंप लगवाएं और उसके बाद ही जो है आप वैट रिफंड काउंटर पे जाएं इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक करके, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, वैट रिफंड नहीं मिलेगा। हाँ जी, तो मैंने ले लिया अपना वैट रिफंड। वैट रिफंड लेने के बाद जो आपका बिल है उसको ये लोग अपने पास रख लेते हैं, वो बिल आपको ये लोग लौटा के नहीं देते हैं। उसकी जगह पे जो है आपको ये वैट रिफंड का एक फॉर्म है जो मिल जाता है और इस पर जितना वैट आपको मिलना है वो सारा लिखा रहता है। हाँ, ये चीज़ अच्छी है कि ये लोग कैश पूरा दे देते हैं, उसमें एक भी रुपया नहीं काटते हैं। मेरे को जो वैट मिलना था 2890 भादू मेरे को पूरे मिले हैं, ये चीज़ एक अच्छी है। इंडिया में कस्टम ऑफिसर्स मेरे से ड्रोन के बारे में कुछ भी नहीं पूछते हैं और मैं इजीली एयरपोर्ट से बाहर आ जाता हूँ।